हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 मैथ्स। नाउ इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। क्या मतलब इसका, ध्यान से देखेंगे कि दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगी आपको इस तरीके से। दो इक्वेशन दे दी गई है, अब बोल रहे हैं कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। एग्जाम्पल फर्स्ट, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y equal to 3 and 3x minus 2y equal to 4। बच्चों आपको याद होगा पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बात किया था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट x और y की वैल्यूज पुट करके हमने पॉइंट्स निकाले थे और फिर ग्राफ ड्रॉ किया था। सिमिलरली ये तो बहुत इजी टॉपिक है उसके सामने, वो तो हमने जो पढ़ा था बच्चों दैट वाज नेक्स्ट लेवल। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसको फटाफट कवर करेंगे। सिंपल हमें दो लाइंस ड्रॉ करनी है, राइट। सो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, पहला काम बॉक्स बना के हमें x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें दो इक्वेशन गिवन है, हमको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूं यहां पर x plus y equal to 3। हमें क्या करना है बच्चों, x को जीरो करना है, y निकालना है, y को जीरो करना है, x फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, x को जीरो पुट करेंगे y आ जाएगा, y को जीरो पुट करेंगे x आ जाएगा। देखो कैसे, हमने यहाँ पे x equal to 0 पुट किया तो ये आ गया 0 plus y, मतलब y आ गया 3। ये तो 0 plus y equal to 3 आ गया, ठीक है। पहली बार एक मिल गया मेरे को, एक पॉइंट क्या मिल गया, 0.3। सोच के देखो, यस और नो, 0.3 एक पॉइंट मिल गया, यस सर। अब मैं y equal to 0 पुट कर रहा हूं तो मुझे x क्या मिल जाएगा, x equal to 3 मिल जाएगा। सोच के देखो क्या यही वो पॉइंट है, ये 0.3 आया लेकिन ये क्या आएगा, x 3 है, तो 3.0। ध्यान से देखो, ध्यान से देखने की बहुत विशेष आवश्यकता है बच्चों, अगर इसमें गड़बड़ी कर दी ना, ये 0.3 यहाँ भी 0.3 लिख दिया, खत्म। क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं सर, हवा में सब ऊपर जा रहा है सर हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें x को 0 पुट करना है, पुट कर दिया, y 3 आ गया। फिर हमने y को 0 पुट किया तो x plus 0 equal to 3, तो x equal to 3 आ गया, ठीक है, वेरी इजी। तो दो पॉइंट्स मिल चुके हैं मेरे को, 0.3 और 3.0, मतलब एक लाइन क्या मैं बना सकता हूँ, क्या ये लाइन मेरी बन जाएगी। एक लाइन को बनाने के लिए सिर्फ दो पॉइंट्स की जरूरत है। सेकंड, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x minus 2y equal to 4, ठीक है। x equal to 0 पुट करेंगे, x equal to 0, तो ये हो जाएगा 0 minus 2y equal to 4, तो minus 2y equal to 4, मतलब y कितना आ गया, 4 upon minus 2, ध्यान रखना minus 2 हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड होगा, 4 upon minus 2 कितना आएगा, 2 1 2 2 मतलब minus 2, तो y की वैल्यू आ गई minus 2, तो एक पॉइंट मिल गया मेरे को 0.-2, यस और नो, 0.-2, यस सर। सेकंड लाइन के लिए मुझे एक पॉइंट मिल गया। अब y को 0 पुट करेंगे, जैसे हमने यहां पर किया था वैसे ही अब हम यहां करेंगे, y को हमने 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट कर दिया तो क्या आ गया बोलो, 3x minus 2 into 0, 0 equal to 4, ये तो 0 हो गया, so 3x equal to 4, तो x कितना आ जाएगा, 4/3, x 4/3 आ गया। अब मुझे थोड़ा फ्रैक्शन से प्रॉब्लम है, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया मेरे को 4/3.0, है ना, एक पॉइंट मिल चुका है, अब यहां लिख भी सकते हैं कि भाई हमारा जो पॉइंट है दैट इज 4/3.0, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मुझे जरा प्रॉब्लम है फ्रैक्शन से, क्योंकि मैं ग्राफ पे प्लॉट करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं एक और पॉइंट निकाल लूंगा, है ना, प्लॉटिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है ना 0.3, 3.0, 1.5, 5.-9, इस तरीके के पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर नंबर पॉइंट्स आने चाहिए, प्रॉपर नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके के नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। सो अब मैंने y इक्वल टू 0 पे x निकाला तो ये आ गया 4/3, तो मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा। देखो x जब 0 था, जब x 0 था तब तो y हमारा हीरो आ गया -2, इसको तो भूल जाओ। अब y 0 किया तब x की वैल्यू आ रही है, तो y को चेंज करते हैं, y की वैल्यू 1 रख लेते हैं, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 3x minus 2 into 1 equal to 4, so 3x equal to 2 plus 4, 6x आ गया 2, yes sir, तो मेरा point आ गया, what comma what, x comma y होता है हमेशा, x comma y, तो 2.1, चल, तो first line के लिए मेरे पास दो points हैं, 0.3, 3.0, this is my first line, है ना, ये जो first given है मुझे, ये मेरा first line है, उसके दो points मिल गए, और सेकेंड लाइन के लिए मेरे पास जो दो पॉइंट्स है बच्चों वो क्या है बोलो, एक तो 0.-2 और दूसरा 2.1। बच्चों अगर इस तरीके की प्रैक्टिस में आप लोग आ गए ना, इसके पॉइंट्स लिख दो 0.3 and 3.0, इतनी सी बात है, अगर आप लोग इस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो अप कर लोगे ना, सवाल गलत हो ही नहीं सकता।
जब हमने पॉलिनोमियल्स के ग्राफ इतने अच्छे से बनाना सीख लिए, ये तो स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट पॉइंट जोड़ा खत्म। चलो तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, 0.3, 3.0। अगेन आप लोग को बहुत केयरफुल होकर लिखना है, समथिंग कॉमा समथिंग लिखना है, बस ऐसे नहीं 2 को इधर कर दिया, 0 उधर कर दिया, -2 इधर, 1 उधर, ऐसा नहीं। अगर हमने ये पॉइंट कैलकुलेट किया है, क्या पॉइंट आ गया 0 और -2, तो 0.-2 लिख दिया। यहाँ पे 0 और 4/3, लेकिन x 4/3 था इसलिए मैंने 4/3.0 लिखा। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x मेरे पास 2 आया है कि नहीं, देखो 3x-2 किया तभी तो 4, 3x = 6, x = 2 आ गया। तो मुझे x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो मैं 2 पहले लिखूंगा और 1 बाद में, क्लियर। 2.1 और एक पॉइंट था 0.-2। अब इनकी प्लॉटिंग आती है, ठीक है, वेरी इजी। अब तो फटाफट सर बस ग्राफ बनाना है इस तरीके से, है कि नहीं। इधर ये x हो गया सर, इधर y हो गया, इधर लिख दो चाहो तो x डैश और इधर लिख दो y डैश। अब पॉइंट्स कहां तक जा रहे हैं देखो, 0, 3, 3, 0, -2, मतलब चलो x को भी 3 तक ले जाते हैं, y को भी 3 तक ले जाएंगे, माइनस में भी प्लस में भी। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3। चलो y की वैल्यू सॉरी हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहां पे आएंगे तो सर ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। कोई तकलीफ नो सर है, और ये तो हमारा 0 है। तो बस पॉइंट्स प्लॉट करो फर्स्ट लाइन के लिए, पहले 0.3 और 3.0। 0.3 क्या यही पॉइंट है क्या बच्चों? 0.3 यस सर। एंड 3.0, 3x 3 और y 0, x 3 और y 0, तो यही पॉइंट होगा क्या? 3.0 सोच के देखो क्या यही पॉइंट है क्या? 3.0 यस सर। अब क्या करना है? सिंपल, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हो गया सर, इसको पकड़ के इस तरीके से एक लाइन जो है हमने ड्रॉ कर दी। सो दिस इज आवर लाइन। ऐसे एरो लगाएंगे बच्चों ऊपर नीचे दोनों साइड, और इस लाइन का नामकरण कर देंगे क्या था, x + y = 3, या लिख देंगे x + y = 3। बच्चों इतना सा आप ध्यान रखो कि ये जो नेमिंग कर रहा हूं मैं, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये किसके लिए है? बोर्ड एग्जाम्स में 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए। बोर्ड एग्जाम्स में आपके नंबर कटने नहीं चाहिए। अगर आपने इतनी मेहनत करी बच्चों, समझो 5 नंबर या 4 नंबर का एक सवाल आ गया, अब उसमें एक आधा नंबर कट गया, मेहनत करने का क्या मतलब? ऐसे एक एक नंबर करके बच्चों 10-15 नंबर कट जाएंगे आपके, इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। नीट एंड क्लीन तरीके से आपको बिल्कुल एकदम टाइडी, एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनाना है। मैं हाथ से बना दिया ठीक है, आप लोग को स्केल से बनाना है, प्रॉपर स्केल यूज करना है, प्रॉपर ग्राफ पेपर पे पेंसिल से काम करना है। इस तरीके की आप प्रैक्टिस फॉलो करना शुरू कर दो, आप ही के बेटरमेंट के लिए है। इससे नंबर आप लोग को मिलेंगे। 4 नंबर पूरे सिक्योर करने में दम चाहिए होता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर तो हर कोई ले आता है। 4 में से 4 लाने के लिए दम चाहिए। किस तरीके से आपको लगेगा कि हाँ यार इतना मेरे में स्टेमिना आ चुका है, इतना करेज आ चुका है कि मुझे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, कब? ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करो, ऐसे बॉक्सेस लगाना, हाईलाइट करना, आपका जो रिजल्ट आया उसको आप हाईलाइट करो। हाँ ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको फॉलो करो। हम लोग चैप्टर 3rd पे हैं, आप सोचो आपको सिर्फ छोटी छोटी बातों पे गौर करना है। छोटी बातों को पहले पकड़ना सीखो, बड़ी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, बड़ी चीजें अपने आप इजी हो जाएंगी। कोई डरने की जरूरत ही नहीं है किसी को भी, ठीक है? बढ़ते आगे। So, अब सेकेंड लाइन की बात आ रही है, 0.-2, 2.1, 0.-2, 0.-2, यही पॉइंट होगा है ना, 0.-2। चलो नेक्स्ट स्टेप 2.1, सोच के देखो, एक मिनट, 0.-2, दूसरा पॉइंट 2.1, ये x = 2, y = 1, क्या यही कुछ आएगा? 2.1 यही कहीं होगा क्या? यस सर, ये जो पॉइंट है दिस इज 2.1। अब मेरे पास 2 पॉइंट आ चुके, x = 2, y = 1 था तभी मैंने 2.1 इसको लिखा, तो 2 पॉइंट आ चुके। अब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे सामने मेरी एक लाइन आ जाएगी। सोच के देखो क्या यही रिक्वायर्ड लाइन है क्या? सेकेंड लाइन का नाम क्या था? 3x - 2y = 4। चल ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई। तो मैंने दोनों लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब हमको नीट एंड क्लीन तरीके से डायग्राम बनाना है, तब हमको क्लियर इंटरसेक्शन पॉइंट भी दिख जाएगा कि 2.1 ही इंटरसेक्शन पॉइंट है।
ये जो 2,1 है यही इंटरसेक्शन पॉइंट है और यही इनका सोल्यूशन भी होगा. सोचो सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. हमें सॉल्व ग्राफिकली सॉल्व करना मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या होगा. तो हम कहेंगे ये जो 2,1 है दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो हम कहेंगे सोल्यूशन क्या है. सो सोल्यूशन इज x equal to 2 and y equal to 1 क्योंकि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट था because इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू लाइन्स इज वॉट 2,1. बस 2,1 इंटरसेक्शन पॉइंट है इसीलिए हमारा जो है सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1. ठीक है बच्चों. तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं. एक्चुअली हम लोग ग्राफ बना के वो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि सोल्यूशन कौन सा होगा. सोच के देखो यहां तो इंटरसेक्ट कर गई लाइन्स इस तरीके से सोल्यूशन आ गया. अगर इंटरसेक्ट ही ना करे तो नो सोल्यूशन. याद है पैरेलल लाइन्स नो सोल्यूशन. अभी आपको प्रूफ भी कर देंगे कि पैरेलल लाइन्स का कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है. पैरेलल लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करती है तो उनका सोल्यूशन भी नहीं होगा. ये क्लियर हुआ क्या. इसको चेक कैसे कर सकते हैं. देखो x को 2 और y को 1 पुट कर दो. LHS RHS इक्वल आ जाएगा. x 2 y 1 2 और 1 3 3 इक्वल टू 3. यस सर. इसमें भी पुट करो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1. x इक्वल टू 2 पुट किया तो 3 2 जा 6 और y को 1 पुट किया तो 2 1 जा 2 6 माइनस 2 4 4 इक्वल टू 4. तो सॉल्यूशन यही तो होता है वो x और y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को क्या करे सेटिस्फाई है ना. वो दोनों इक्वेशंस LHS दोनों इक्वेशंस का जो LHS है वो RHS के इक्वल आ जाए वही होता है सॉल्यूशन. दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन कौन होगा. दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन कौन होगा. कॉमन पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्शन कर रहे हैं क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है. यस और नो. यस सर. सो दिस इज द वे we will find out solution graphically. Jahan lines intersect karengi, that point of intersection will be the solution of that system of linear equation in two variables. I guess aapko samajh mein aaya hoga. Video end tak bane raho bachcho. 3-4 example karengi. Kafi acha video hone wala hai ye. Video mein bas aap end tak bane raho. Channel ko subscribe karo. Bell icon press kar dena. Tabhi aapko daily इस तरीके के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि यस जैसे हमने एक वीडियो अपलोड किया है जो हमारी हेल्प करने वाला है. डेफिनेटली एंड आई गेस यू गाइस आर हैप्पी. आई नो दैट आपके कमेंट्स में मुझे दिखता है कि एक्चुअल किस तरीके से आप लोग को फील हो रहा है किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर रहे हो ये सब कमेंट्स में मुझे दिख जाता है. एंड थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू फॉर दोस लवली कमेंट्स. बच्चों ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है. आप लोग इस वीडियो में अगर आप देखो जो बच्चे एंड तक अभी तक बने हुए हैं क्या मतलब है उसका. मतलब दैट मींस यू आर इंटरेस्टेड. आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो मैं आपको ये बोलूंगा आप सिर्फ एक बेल आइकन दबा देना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि जय सर ने एक वीडियो अपलोड किया है. ठीक है. आगे से आपको अच्छा लगा होगा वीडियो. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे. तो नेक्स्ट एग्जांपल है शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 4y = 10 एंड 3x + 6y = 12 हैज नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है अगेन बच्चों. वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. सॉल्यूशन होने का मतलब है लाइंस इंटरसेक्ट करेगी या तो कोइंसिडेंट है. कोइंसिडेंट होने का मतलब क्या है. लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है. अगर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है लाइंस तो हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. यस और नो. कोइंसिडेंट लाइंस होगा तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा क्योंकि हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा. हर पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई करेगा राइट. लेकिन नो सॉल्यूशन केस क्या है. ये लाइन जुदा हो जाएंगी इस तरीके से. दे विल सेपरेट एंड दे विल रन अलोंग लाइक दिस. ऐसा वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन नहीं होगा. मतलब हमें क्या प्रूव करना है कुल मिला के इसके अंदर कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी. दैट इज इट. पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या थी आपको याद है. a1 / a2 equal to b1 / b2 not equal to c1 / c2. याद है a1 / a2 b1 / b2 के इक्वल तो था लेकिन c1 / c2 के इक्वल नहीं था. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो a1 / a2 2/3 यहाँ पे 4/6 कटेगा 2/3 आ जाएगा. 10/12 10 upon 12, 2, 5 are 2, 6 are 5 upon 6 आ जाएगा. मतलब C1 upon C2 के equal नहीं है. थोड़ा सा matured level की बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, but आपको used to होना पड़ेगा, है ना? ये सब cross checks करके ही आपके concept
एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिससे आप सवाल को एकदम धुआं कर दोगे, खत्म, सवाल आते ही फिनिश। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमने जय सर की एक एक बात ध्यान से सुनी है, हमने वीडियो एंड तक देखा है। क्लियर? तो बच्चों आपसे सिर्फ एक इतनी सी बात है, हर वीडियो को एंड तक देखो, स्किप मत करो बस। चलो, सो A1 upon A2 2 by 3, 4 by 6 2 by 3 हो जाएगा, B1 upon B2 और C1 upon C2 equal नहीं, मतलब lines तो parallel ही बनेंगी, solution तो आएगा ही नहीं, no solution zone है, but graph बना के तो दिखाना पड़ेगा ना भाई, इतनी बातें तो हमारे self analysis के लिए है, but graph बना के तो दिखाना पड़ेगा ना, तो बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। चलो भैया, solution हम कह देंगे, first equation लिखेंगे 2x plus 4y equal to 10, x 0 y कितना, y 0 x कितना, बस खत्म, x को 0 कर दिया, क्या आ गया 2 into 0 0, 4y equal to 10, मतलब y कितना आ गया 10 by 4, मतलब 2 2 जा 2 5 जा 5 by 2, 5 by 2 मतलब 2.5 है ना। चलो 0.5/2 एक पॉइंट मिल गया, 0.5/2, लेकिन मजा नहीं आ रहा इसमें ना, पॉइंट 0.5/2 नहीं, मतलब पॉइंट पूरा होना चाहिए कुल मिला के कंप्लीट, 1.2 5.3 होल नंबर्स होने चाहिए, राइट। तो हम देखते हैं x की वैल्यू हमने 0 पुट करी, अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करी, अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 2 into 1 plus 4y equal to 10, ये हो गया 2, 2 आ जाएगा माइनस, तो 4y equal to 10 minus 2 मतलब 8, y आ गया 2, यस सर, तो एक पॉइंट मिल गया मेरे को, 1.2 मेरे को एक पॉइंट मिल गया क्या, यस सर, सही है सर, यहां तक समझ में आया। अब मेरे को एक पॉइंट तो मिल गया 1.2, अब मैं y को 0 पुट करूंगा तो x कितना आएगा, अगर मैं यहां पर y equal to 0 पुट कर देता हूं तो कितना आ जाएगा x 2x plus 0 equal to 10, मतलब 2x into 10, so x equal to 10 by 2 मतलब 5, yes, तो पॉइंट आ गया x, y 5, 0, ये ध्यान रखना बच्चों में गलती हो जाती है ना, आपको x, y लिखना है हमेशा, x चाहो तो ऐसे लिख लिया करो ऊपर, x, y 5, 0, ठीक है सर। तो एक पॉइंट मिल गया मेरे को 1.2, दूसरा पॉइंट मिल गया 5, 0, हम क्या करेंगे, अब हम वेट नहीं करेंगे दूसरी इक्वेशन का, अब हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे सॉल्व करना सीख रहे हैं, हम सिर्फ यहां पर एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, यहां लिख दिया x, यहां लिख दिया y, ठीक है, चलो ये x डैश है और ये y डैश, खत्म, हम यहां पे पुट कर देंगे x की वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहां पर आ जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5, सो ऑन, y आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यहां आ जाएगा -1, यहां पर आ जाएगा, देखो डिस्टेंस मैं इक्वल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको तो ग्राफ पेपर पे मिलेगा, हमें यहां पे सेल्फ एनालिसिस करना होता है, -1, ये -2, ये -3, This is -4 and -5 and so on. चलो, अब मेरा ये जो दो पॉइंट्स आए मैं इनको हाथों हाथ प्लॉट करूंगा, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा ताकि मुझसे गलती ना हो, ओके बच्चों, आपसे देखो सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स को रोकना है हमें, उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास जो दो पॉइंट्स आ गए हैं 1.2 और दूसरा 5.0, इनको मैं प्लॉट कर लूंगा फटाक से। तो 1.2 का होगा, सोच के देखो x equal to 1, y equal to 2, x equal to 1 पे रुक गए, y equal to 2 पे चले गए, ये पॉइंट होगा कुछ, सोच के देखो, ऐसे चाहो तो ऐसे लाइंस बना सकते हैं, डॉट 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 डॉट, ये पॉइंट का नाम क्या है, 1.2 लिख दिया सर मैंने यहां, ओके, दूसरा पॉइंट है मेरे पास 5.0, x equal to 5, y equal to 0, x equal to 5, y equal to 0, मतलब ना ऊपर ना नीचे, हीरो यहीं पे अटक गया, ये आ गया 5.0, अब मेरे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं क्या, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको इस तरीके से पकड़ के और जो है मैं एक लाइन बना दूंगा, इसको इस तरीके से ध्यान से देखो, क्या ये वही लाइन है जो मुझे चाहिए थी, यस सर, लाइन का नाम क्या है, 2x plus 4y equal to 10, कोई तकलीफ हो तो बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ये लाइन बन चुकी है और ये लाइन देखो y एक्सिस को कहां कट कर रही है, यहां पे 2 और 3 के बीच में, तो ये पॉइंट क्या है, x तो 0 है और y कितना है 2.5 और 3 के बिल्कुल बीच में 2.5 है क्या, यही पॉइंट आया था क्या हमारे पास, देखो 0.2.5, सोच के देखो ध्यान से 0.2.5, यस सर यही पॉइंट था, ये पॉइंट मिल गया हमको। अगर आप बच्चों ग्राफ ढंग से बनाओगे ना, अगर आपका ग्राफ बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन गया तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट भी सही आएगा, आपका हर पॉइंट नीट एंड क्लीन तरीके से बिल्कुल सही आएगा, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है।
चलो मुझसे कोई बात नहीं, डायग्राम ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन आप स्केल से बनाओगे आपसे बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा इस तरीके से, ठीक है। चलो दोस्तों रब कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस तरीके से ये चलो ठीक है, ये बन गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन। नाउ सेकेंड है हमारे पास 3x, जो सेकेंड है हमारे पास लाइन 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, x को जीरो कर दिया, ये फर्स्ट लाइन थी है ना, यहां लिख दिया अपन ने, ये फर्स्ट लाइन है सर, कोई बात नहीं, यहां हम लिख देते सर ये सेकेंड लाइन है। आप लोग बच्चों कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से करना, तभी मजा आएगा सॉल्व करने का। सेकेंड लाइन 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 0, तो 6y इक्वल टू 12 मतलब y इक्वल टू 2, तो पॉइंट आ गया x कॉमा y 0,2, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे y को 0 करेंगे, y इक्वल टू 0, तो ये आ गया 3x प्लस 0 इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 बाय 3 मतलब 4, पॉइंट क्या आ गया मेरे पास x कॉमा y 4,0, दोनों पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर लूंगा फटाफट से, कहां पर ये जो ग्राफ है इस पे प्लॉट करूं और आंसर आ जाएगा मेरा। चलो मुझे क्या प्रूव करना है, दैट दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, मतलब लाइन पैरेलल बनेगी, करके देखते हैं। 0,2 यही पॉइंट है, यस सर है ना, ये 0 है और y की वैल्यू 2 है। दूसरा 4,0 का यही पॉइंट है क्या, सोच के देखेंगे, ये 5,0 यहां लिख देते हैं, 5,0 और ये 4,0 है, ठीक है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। अब ध्यान से देखो क्या यही वो दो लाइन पॉइंट्स है क्या जिनको मैं ज्वाइन करूंगा, तो मुझे जो है एक लाइन मिल जाएगी क्या, देखो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल बन चुकी हैं क्या, देखो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, यस सर दीज आर पैरेलल, एंड पैरेलल लाइंस वुड मीन नो सॉल्यूशन। We have drawn the lines parallel. ध्यान से देखो ये दोनों lines parallel बन गई क्या? दूसरी line का नाम क्या है sir? 3x plus 6y equal to 12. ये होगी मेरी line की equation जो मैंने graph बनाया उसके पास में मुझे लिखना अनिवार्य है, ठीक है? तो एक बात समझो बच्चों, अगर lines मेरे पास parallel आ गई हैं, इसका मतलब क्या है? There is no solution condition. No solution मतलब lines कभी भी intersect नहीं करेंगे, और यही हमको prove करना था, show graphically that the system of equations this and this has no solution. No solution. No solution implies what? Parallel lines implies what? A1 upon A2 equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2. ये condition थी बच्चों, याद है? A1 upon A2 सोच के देखो क्या था? 2 by 3 equal to 4 by 6 not equal to 10 by 12 या minus 10 by minus 12 कर दो, है ना, क्योंकि C1 उधर जाएगा minus हो जाएगा, 12 भी उधर जाएगा minus हो जाएगा, ये 2 by 3 है, 4 by 6 भी 2 by 3 है, लेकिन 10 by 12 क्या है? 5 by 6 5 by 6, तो 2 by 3 5 by 6 के तो equal नहीं होता, that means yes, hence proved, हमारा जो concept है वो बिल्कुल सही है और हमने कोई भी गलती नहीं करी है। आपको बच्चों मजा आया इस क्वेश्चन में, अच्छा लगा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो, बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है बच्चों। सो आगे बढ़ेंगे एग्जांपल थर्ड की तरफ। एग्जांपल थर्ड क्या है? शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x - y = 2 एंड 9x - 3y = 6 हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है बच्चों? अभी बताया था मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में, Co-incident lines, है ना, एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप करेगी, देखो कैसे होगा। बट ये बात ध्यान रखो, अगर ये सेम ही लाइन है तो दो लाइन समझो इसी पे लाई कर रही है, तो हर पॉइंट जो है वो सोल्यूशन होगा, और अगर सारे ही पॉइंट सोल्यूशन होंगे तो हमें पता ही नहीं है कितने पॉइंट्स हैं, हमें एक्चुअली पता ही नहीं कि कितने पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट मींस इनफिनाइट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो इनफिनाइट मेनी सोल्यूशंस कैसे प्रूव होगा? बाय प्रूविंग दैट द लाइंस कोइंसाइड, वो कोइंसिडेंट है, क्लियर। और उसकी एक कंडीशन क्या होती है याद है सबको? A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, याद है? चलो A1 upon A2 कितना आएगा? 3 by 9, 1 by 3 हो गया, काट के, ये -1 by -3, 1 by 3, और ये -2 by -6 उधर जाएगा, तो ये 2 by 6 समझो, 1 by 3, तो 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, तीनों रेशियो इक्वल है, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, and this was the condition which was required, necessary for lines to be coincident, एक दूसरे के ऊपर
स्वैप करेगा लाइंस, दैट इज दी ओनली कंडीशन। और कंडीशन वेरीफाई हो गई, ये तो हमने कर लिया हमारे लेवल पे, लेकिन अब हमें ग्राफ बनाना है, फटाफट से करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या है बच्चों, फर्स्ट लाइन ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट लाइन है ना, चलो फर्स्ट लाइन क्या है बच्चों बोलो, 3x minus y equal to 2, x 0 y कितना, y 0 x कितना खत्म, x equal to 0 यहाँ पे आ जाएगा, बोलो minus y equal to 2 मतलब y कितना आ गया minus 2, x comma y मतलब 0 comma minus 2, मेरे पास एक पॉइंट आ गया। Now y को 0 करेंगे, देखो अब मन में भी करना सीखो थोड़ा, y को 0 करेंगे तो 3x 2 आ जाएगा, मतलब x 2 by 3 आएगा, अगर y को 0 कर दिया तो x 2 by 3 आ जाएगा, मुझे करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 2 by 3 मैं प्लॉट नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम होगी, एक्यूरेटली प्लॉट नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई की वैल्यू जीरो की जगह वन रख दूंगा, तो मैं वाई की वैल्यू, बच्चों देखो थोड़ा मैच्योर हो जाओ प्लीज, आप समझ रहे हो मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो रख रहा हूं तो एक्स एक फ्रैक्शन आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, ये जो छोटी सी बात है, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लेके जाएंगी एकदम नेक्स्ट लेवल सॉल्विंग की तरफ, छोटी छोटी बातों पर गौर करना सीखो, मेरी बात मानो सिर्फ, ठीक है। सो y की वैल्यू जीरो ना पुट करके मैंने डायरेक्टली वन पुट कर दी, y वन है तो क्या आ जाएगा बोलो, 3x minus 1 equal to 2, it implies 3x equal to 2 plus 1, 3 है ना, oh my god, x equals to 3 by 3 मतलब 1, तो x comma y 1 comma 1 मेरे पास एक पॉइंट आ गया। अब क्या मैं दूसरी लाइन का वेट करूंगा या मैं प्लॉट करूंगा, मैं ग्राफ बना के फटाक से प्लॉट कर दूंगा, चलो सर यहां बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है सर, हो गया x, ये हो गया y, ठीक है, ये हमारे पास x dash है, ये y dash, ऐसे लिखना जरूरी है, नेगेटिव x डायरेक्शन होता है उसको x dash बोलते हैं और जो नेगेटिव y डायरेक्शन उसको y dash बोलेंगे, पॉजिटिव तो x और y है पता ही होगा सबको, ठीक है। सो 0 कॉमा माइनस 2 1 कॉमा 1 मतलब पॉइंट्स तो सिंपल है, ये 1 ये 2 ये 3 तक चले जाओ, ये माइनस 1 ये माइनस 2 ये माइनस 3 तक चले जाओ, ऊपर आ जाएगा 1 ये 2 ये 3 यहाँ पे आ गया सर, ये माइनस 1 ये माइनस 2 और ये माइनस 3, चलो। सो पहला पॉइंट है 0 कॉमा माइनस 2, x तो 0 है और y माइनस 2 है, x 0 और y माइनस 2 मतलब ये पॉइंट है क्या बच्चों, ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 कॉमा 1 मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, कुछ यही पॉइंट होगा क्या, ये पॉइंट है 1 कॉमा 1 कॉमा 1, तो मुझे इसको और इसको ज्वाइन करना है, बस इसको लेके और मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा, वेरी इजी, तो इस तरीके से आगे प्रोसीड करा देंगे इसको, ये हो गया मेरे पास लाइन की इक्वेशन, दैट इज क्या नाम है इसका, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट लाइन बन गई मेरे पास, आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल और अच्छी स्ट्रेट बनेगी आपकी, ठीक है। सो नेक्स्ट है 9x minus 3y equal to 6, second line जैसा लिखेंगे बिल्कुल, हम बच्चे हैं, हमको अच्छा लगता है बचपन में बच्चे बनके रहना, क्या करना है बोलो किसी को, हम तो लिखेंगे second line और बोलो, लेकिन ये बचकानी हरकतें कर करके ही हमारे जो आंसर है ना वो सही आ जाएंगे, और हम अच्छे खासे जो बड़े हैं ना जो सवाल सॉल्व कर करके उसको गलत कर रहे हैं उनसे तो हम एक कदम आगे ही जाने वाले हैं, क्लियर है क्या, है ना, अगर आगे जाने वाले हैं तो एक फटाफट से कमेंट कर दो, यस सर, चलो। सो सेकेंड लाइन क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, ओके, ये सब बॉक्स लगा दे रहा, मैं अभी कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं करवा रहा हूँ बच्चों, है ना, ये बॉक्सेस लगाना नीट एंड क्लीन काम करना सब आपके बेटरमेंट के लिए, तो आप फॉलो करोगे तो अच्छा है, फॉलो नहीं करोगे तो मैं वापस बोलूंगा फॉलो करो, फॉलो तो मैं करवा के रहूंगा आपको, छोटी छोटी बातों को फॉलो करवा के रहूंगा, ध्यान रखना। चलो 9x माइनस 3y इक्वल 6, सो मेरे पास आ गया x इक्वल 0y कितना, x इक्वल 0 0, ओके ओके ओके, माइनस 3y इक्वल टू 6, ये 0 हो गया ना भाई, x को 0 पुट किया, क्लियर, तो इस इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने, तो क्या आ गया 9 into 0 0 minus 3 equal to 6, तो minus 3y equal to 6, अभी minus 3 वहां जाके क्या प्लस बनेगा, अरे नहीं सर आपने सिखाया हमको, क्या होगा minus 3 नीचे जाएगा, y equal to 6 बटे minus 3 upon minus 3, 3 under 3 2 था minus ऊपर मतलब y आ गया minus 2 मतलब पॉइंट क्या आ गया बोलेंगे x comma y 0 comma minus 2, कोई तकलीफ, नो सर कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, हम इतना धीरे धीरे और इतना अच्छे समझ रहे हैं, क्या तकलीफ होगी, कोई तकलीफ नहीं। Now, y को जीरो किया, सोचो मन में y को जीरो किया x कितना आएगा, ये 9 नीचे जाएगा 6 by 9, ना 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 मेरे को फ्रैक्शन चाहिए ही नहीं, तो मैं y की वैल्यू अगेन 1 पुट कर दूंगा, है कि नहीं, सो मैं y की वैल्यू जो है 1 पुट कर देता हूं, दैट मींस 9x minus 3 into 1 equal to 6,
that means 9x equal to 6 plus 3, 9, that means x kya aa gaya 1. So x comma y matlab 1 comma 1. Kya hua hai? 1 comma 1, 0 comma minus 2, 1 comma 1, 0 comma minus 2, so point hi same aa gaya dono. Ye to दोनों पॉइंट ही सेम आ गया मेरे पास, दैट मींस मेरी ये सेम ही लाइन बनेगी क्या? फिर से मैं बनाऊंगा तो सर एक और ऐसी लाइन बन जाएगी, फिर ऐसे एरो लगा दूंगा, फिर से ऐसे एरो लगा दूंगा, दैट मींस वो दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही है क्या एक दूसरे पे? यस सर, दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है क्या? यस सर, दैट मींस व्हाट? दीज लाइंस हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, वेरी वेरी इजी. कंडीशन चेक करेंगे फटाफट. a1 / a2 equal to b1 / b2 equal to c1 upon c2 होना चाहिए. करके देखो, a1 upon a2 मतलब this upon this 3 by 9, b1 upon b2 मतलब minus 1 by minus 3. देखो minus y है मतलब minus 1 है ना y का coefficient, और यहाँ पे minus 3 y मतलब minus 3 है, minus 3. और c1 by c2 मतलब c1 again 2 by 6 भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना क्या है, 2 उधर जाएगा तो minus 2 बनेगा, 6 उधर जाएगा तो minus 6 बनेगा, मतलब minus 2 by minus 6. क्या है ये? 3 1s are 3, 3s are 1 by 3 equal to minus minus cancel, 1 by 3 equal to minus minus cancel, 2 1s are 2, 3s are 1 by 3. Yes sir, that means the condition is satisfying. Yes sir, graph ban gaya ekdam coincident line. Yes sir, infinity solutions prove ho gaye kya? Yes sir, to aur kya bacche hi jaan loge. Ho gaya na, ho gaya, that means concept clear hai. Concept clear is the only motive of my videos. Conceptually आप एकदम crisp and clear होने चाहिए, एकदम clear, कोई doubt नहीं. और अगर कोई doubt नहीं है तो फटाफट से जो तीनों examples मैंने दिए हैं आपको, ये अपनी अपनी copy में बिना देखे solve करना. तीनों questions लिखो अलग अलग pages पे, graph draw करो. तो draw करने के बाद confirm हो जाओ कि हाँ आप एकदम concept में solid हो, तो एक comment में जरूर लिख देना कि yes sir, ये concept मुझे clear हुआ है. Then I feel real happy. तब अंदर से खुशी मिलेगी मुझे कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं उसकी जरा भी कहीं वैल्यू है क्या, कुछ जरूरत है क्या उसकी? उस मेहनत की जरूरत तभी होगी जब आप बच्चों को सॉल्व करना आएगा. आप लोग जब जाके कमेंट में लिखोगे कि यस सर मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए और अब मैं ग्राफ के किसी भी क्वेश्चन से नहीं डरता हूं या मैं नहीं डरती हूं, दैट विल बी द मोमेंट फॉर मी. ठीक है बच्चों, तो आगे सुनना समझ में आया होगा. एक दो क्वेश्चन और कर ले, फटाफट से बढ़ते हैं आगे. So the example 4 बहुत important example है, the final stage of graphs हम complete करने वाले हैं. Solve the following system of linear equations graphically. Shade the area bounded by these two lines and y axis. क्या मतलब है समझेंगे. Also find the area of shaded region. पहली बात, दो lines given है, बिगर घबराहट के बिगर डरे हमें सिर्फ graph बनाना है. तो graph के लिए हम क्या करेंगे सर, पहले x minus y equal to 1 जो equation 1 थी है ना, इसके लिए हम solve करेंगे. x 0 y कितना, y 0 x कितना, x equal to 0 मतलब माइनस वाई इक्वल टू वन, मतलब y आ गया माइनस वन. तो जीरो कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन, मेरे पास एक पॉइंट आ चुका है. यस सर, सेकेंड पॉइंट करेंगे y जीरो x कितना, y जीरो कर दिया तो x आ जाएगा मेरे पास x माइनस जीरो इक्वल टू वन, मतलब x इक्वल टू वन, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास पॉइंट आ चुका है, मतलब y जीरो है और x वन है, मतलब x की वैल्यू वन, y की वैल्यू जीरो, मतलब x कॉमा वाई. यहाँ बच्चों ध्यान रखना हमेशा कि x और y की वैल्यू आप सही लिखो, बार बार मैं आप नहीं बोलूंगा. ठीक है, x 1 है, y 0 तो 1,0 आ गया. चलो दो पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं बच्चों, तो मेरा पहला काम है मुझे ग्राफ प्लॉट करना होगा, है ना. ग्राफ हमेशा अच्छे से प्लॉट करेंगे बच्चों, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, ग्राफ एकदम प्रॉपर, मतलब प्रॉपर ही होना चाहिए, राइट. x ये y, ये हो गया x डैश और ये y डैश. सो वैल्यूज पुट कर देते हैं x की, x 1 1 2 3 4 5, सिमिलरली माइनस 1 ये माइनस 2 ये माइनस 3, इस तरीके से बढ़ा देना, y आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और यहाँ ले लेंगे हम वही माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड सो ऑन. चलो ये हो गया 0. यस सर 0. ग्राफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए बच्चों हमेशा, राइट. सो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस 1 है, x 0 y माइनस 1 मतलब ये पॉइंट, ठीक है, 0 कॉमा माइनस 1 0 कॉमा माइनस 1, ठीक है. और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 1,0, दैट मींस x 1 है और y 0 है, ये पॉइंट है क्या, 1,0 यही पॉइंट है, 1,
जीरो, तो मैं इन दोनों को जो है कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से और मेरा जो है ये ग्राफ बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है सर, ये लाइन है और इस लाइन का नाम क्या है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू वन, ऐसा लिख दिया। अब तो सेकेंड लाइन ले लिया मैंने, दिस वॉज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन क्या है 2x plus y equal to 8, तो x को 0 कर दो, y कितना आ गया 8 आ गया। अब समझ आया हम 8 तक क्यों उतना ऊपर y को 10 तक लेके गए, क्योंकि y की वैल्यू 8 आनी थी, है ना, दिख रहा था मुझे x अगर मैं 0 कर रहा था तो y 8 आ रहा था, ये सब प्री प्लानिंग होती है राइट। सो x 0 है y 8 है, दैट मींस ये पॉइंट है क्या, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0, 8। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे लिए, कैलकुलेट करेंगे y को 0, y को 0 कर लिया तो 2x, सॉरी y को 0 कर लिया तो 2x कितना आ गया 8, x आ गया 4, x comma y 4, 0 is my second point, कोई तकलीफ है ना, हम थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहे हैं, हम mature enough हो चुके हैं, हम कर सकते हैं। तो x 4 comma 0 एक पॉइंट ये रहा सर मेरे पास 4, 0। तो ध्यान से देखो मेरे पास ये दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, क्लियर। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है, नामकरण कर देंगे भैया, नाम क्या है, नाम है इस लाइन का 2x plus y, 2x plus y equal to 8। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, क्या दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो देखो बच्चों ध्यान से, क्या यही दिख रहा है तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ग्राफिकली, ग्राफिकली तो क्या सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, सो सॉल्यूशन इज इट इंप्लाइज यहां कर देते हैं, इट इंप्लाइज सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज व्हाट, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, बस इसको डब्बे में डालना मत भूलना, सॉल्यूशन आ चुका है मेरे पास x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2, कैसे किया दिख गया ना यहाँ पे, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगभग दिख ही गया, आप ग्राफ बनाओगे तो आपको और प्रिसाइजली दिखेगा कि हाँ, और अच्छे से दिखेगा, नीट एंड क्लीन तरीके से बनाओगे ना तो एकदम क्लियर दिखेगा कि हाँ यही हमारा सोल्यूशन है, x इक्वल टू 3 y, अच्छा पुट करें x की वैल्यू 3 y इक्वल टू 2 पुट कर ले दोनों में, x को 3 और y को 2 कितना आ गया x 3, तो 3 माइनस 2 1, 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS, यस 3 और 2 उसमें पुट करो, x की वैल्यू 3, 2 3 का 6, y की वैल्यू 2, 6 plus 2 8, yes sir, that means yes हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, क्लियर हुआ बच्चों, है ना, मजा तो आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा बने रहा करो बस वीडियो में, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में कि वीडियो में बने रहो क्योंकि पिक्चर तो एंड में इंटरेस्टिंग होती है ना, क्लाइमेक्स इंटरेस्टिंग होता है एंड का, बाकी स्टार्टिंग तो चलो थोड़ी चलती रहती है, हमें पता भी होता है, लेकिन एंड में हमेशा ज्यादा मजा आता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस, एक लाइन ये और एक लाइन ये, यही है ना, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी क्या, ये पहली लाइन थी बच्चों x माइनस वाई, और दूसरी लाइन क्या थी, ये हमारी सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस कौन सा है, ये है, तो क्या यही होगा क्या, वो जो रीजन मुझे शेड करना है बच्चों, क्या वो यही रीजन है क्या, अगर मुझे बोलता x एक्सिस तो मैं ये लाइन लेता और ये वाला ले लेता, है ना, x एक्सिस ये वाला एरिया आ जाता, लेकिन अभी मुझे y एक्सिस के साथ में निकालना है तो मैंने ये वाला एरिया देख लिया। अब ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल है, लेट्स से इसको मैं नाम लिख देता हूँ ए, ये पॉइंट का नाम लिख देता हूँ बी और इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ सी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिंपल है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये करेंगे बच्चों ध्यान से देखना, यही करना है मुझे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस क्या है ध्यान से देखना, बेस ए सी है क्या, इसको ऐसे घुमा के देखो बच्चों, ये एक ट्राइंगल है जिसका बेस ए सी है और हाइट क्या है, इसको लिख देते हैं डी, जो 2 है ना 2, इसको इस पॉइंट को लिख देते हैं यहां पे डी। ठीक है, क्या ये एक एल्टीट्यूड है क्या ट्राइंगल का, ध्यान से देखो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये बेस है, ध्यान से देखो ए सी इंटू बी डी लिख सकता हूं, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी कि नहीं, है ना, ए सी ये तो बेस हो गया और बी डी जो है वो हाइट हो गई, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, दैट मीन्स क्या कर देते हैं,
हाफ इनटू एसी की वैल्यू बताओ कितनी है, सब जल्दी देख के बताएंगे। एसी देखो जीरो से लेके एट तक आ गए तो एट हो गया, यहां से लेके यहां तक तो एट है, लेकिन ये भी तो एक है, इतना पार्ट भी तो है, ये वन है कि नहीं, ये माइनस वन था ना पॉइंट, तो माइनस वन तक मतलब लेंथ तो वन ही हुई, दैट मीन्स एट प्लस वन नाइन हुई कि नहीं हुई है लेंथ। ये जो पूरी लेंथ है बच्चों ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक क्या ये नाइन है, क्या देख पा रहे हैं, क्या सब लोग देख पा रहे हैं, ये जो एसी की लेंथ है वो नाइन है, हाफ इंटू नाइन इंटू जो हाइट है, हाइट जीरो से लेके कहां तक जा रहा है, एक्स की वैल्यू थ्री है ना, ये थ्री है, इसकी लेंथ थ्री है क्या बच्चों, तो इस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है बेस इंटू हाइट, ऐसे करते रहे बेस इंटू हाइट, ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को घुमा के देखो, अब यू ऐसे देखो कि ये बेस है एसी और हाइट है बीडी, तो एसी इंटू बीडी करना है, एसी की वैल्यू नाइन आ गई और बीडी कितना है, बीडी की वैल्यू थ्री है, थ्री है क्या बच्चों, थ्री कॉमा टू, थ्री कॉमा टू में थ्री क्या है, एक्स का मैग्नीट्यूड है ना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है, इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, थ्री है क्या, ये थ्री है क्या, बस तो मुझे क्या करना है, जो एल्टीट्यूड है मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ इंटू नाइन इंटू थ्री मतलब 27/2, तो इसका आंसर क्या बच्चों ध्यान से देखना, 27/2 यहां लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर, आंसर आ गया मेरे पास, एरिया जो है 27/2 स्क्वायर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान देना है, तभी हमारा सोल्यूशन जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से सही आएगा, ठीक है, आंसर आ गया मेरे पास 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो याद है आपको बच्चों समझ में आया होगा, ये 27/2 आप 13.5 भी लिख सकते हो, काट के इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 13.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, आई गेस आपको बच्चों समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया, किस तरीके से हमने रीजन को शेड किया और किस तरीके से हमने फाइनल आंसर फाइंड आउट किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का जो एरिया होता है दैट इज ट्राइंगल एबीसी, एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एसी इंटू बीडी कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 13.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो बच्चों ग्राफिकल सेक्शन में हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब आपका काम क्या है, आप ये चारों क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करो, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी कोई रिफ्रेशर हो, एनी रिफ्रेशर, कोई भी रिफ्रेशर ले लो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती क्योंकि हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, ठीक है। सो इतना बहुत है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो एंड प्लीज डू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही पता पड़ेगा कि जैसे हमने एक वीडियो अपलोड किया है जो डेफिनेटली आप बच्चों की हेल्प करने वाला है। मजा आ रहा है बच्चों, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, थैंक यू।